छत्तीसगढ़ सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है गौठानों का संचालन, और अब शहरी गौठानों में एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत गौठानों में मछली पालन शुरू किया जा रहा है, जिससे गौठानों का संचालन करने वाली महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, कई जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसमें एक योजना थी गौठान संचालन की, जिसे महिला स्व सहायता समूह की बहनों को दे दिया गया, और अब प्रदेश की महिलाएं सशक्तता की ओर लगातार कदम बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में अब शहरी गौठानों में मछली पालन करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के शहरी गौठान कोसा नगर में 4 तालाब प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से एक तालाब का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इसे पानी से भरने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस तालाब का निरीक्षण नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बारीकी से किया और मछली पालन की दिशा में उचित दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग देने की बातें कही हैं। नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को जानकारी दी, अब शहरी गौठानों में महिलाएं मछली पालन करके अपनी आय बढ़ा सकती हैं। देखिए, 5 एक्टिविटीज का काम गौठान में करना है, क्योंकि स्वरोजगार दिशा में महिलाओं को आगे लाना है, और स्वरोजगार दिशा में जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, SHG जो है, उनको आगे प्रमोट करना है, ताकि वो वहाँ पर आर्थिक आय अर्जित करके और गौठान का डेवलपमेंट भी करें और अपने खुद के जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। इसी भावना से जो है माननीय महापौर जी, कलेक्टर साहब और आयुक्त महोदय के निर्देश पर गौठान में तालाब विकास का काम चल रहा है, जिसमें महिलाएं जो हैं और मछली पालन करेंगी, और मछली पालन की जो तैयारी है उसके लिए व्यापक रूप से अभी जो इस समय का सीजन जो गर्मी आने वाला है उसके लिए व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। JCB और अन्य माध्यमों से तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है, ताकि एक नया तालाब उसमें हो सके, उसको अच्छे डेवलपमेंट करके उसमें मछली पालन करके व्यापक रूप से उसका व्यापार व्यवसाय कर जो है आयोजित किया जा सके और गौठान का डेवलपमेंट किया जा सके। सर, मछलियों को जैसे मार्केटिंग की बात अगर कहें तो मार्केटिंग किस तरह से होगा? महिला स्व सहायता समूह मार्केटिंग करेगी या नगर निगम उन्हें कोई प्लेटफॉर्म दिलाएंगी? देखिए, इसमें अभी प्लेटफॉर्म जो दिलाने की बात होगी, यदि आवश्यकता होगी तो इस पर विचार किया जाएगा कि प्लेटफॉर्म कहाँ पे देना है या कैसा स्थल सुनिश्चित किया जाए, उसके जो नियम और बहुत सारी शर्तें रहती हैं उनके अधीन काम किया जाएगा। इसके अलावा जो लोकल मार्केट में गौठान में जब हम लोग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वहाँ से ही सेलिंग का इतना डिमांड जो आने लगा कि बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यदि ऐसी आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए इस पर विचार किया जाएगा। शहरी गौठानों में मछली पालन की पूरी व्यवस्था नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है, जिसके लिए महिला स्व सहायता समूहों को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल कोसानगर के शहरी गौठान में एक तालाब का निर्माण हो चुका है और उसे मछली पालन के लिए पूर्णतः तैयार कर लिया गया है। मछली पालन का प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाओं द्वारा इन तालाबों में मछलियों के बीज डाल दिए जाएंगे और मछली पालन का कार्य शुरू हो जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।